गुड इवनिंग बच्चों। और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द स्टेट जुडिशरी, दैट इज द हाई कोर्ट। और यदि पूछा जाए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो ज्यादा इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट है। मगर हाई कोर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, हाई कोर्ट कुछ कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए हाई कोर्ट में सब्जेक्टिव का कंटेंट मैंने बहुत नहीं रखा है ऑब्जेक्टिव से, और वो ऑब्जेक्टिव कई प्रकार के हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें, तो क्लास में मैंने वो डिस्कस किया है। फिलहाल हम लोग सब्जेक्टिव्स का एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया हुज जुरिसडिक्शन एक्सटेंड टू मोर देन वन स्टेट। तो ये आप लोग बहुत सिंपल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द कॉम्पोजिशन ऑफ द हाई कोर्ट। और इसमें आपको हाई कोर्ट का पूरा एंटायर कॉम्पोजिशन मेंशन करना है। ये 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन टू टाइप्स ऑफ केसेस इन विच द हाई कोर्ट एक्सरसाइजेस ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत कॉमन पाएंगे, ओरिजिनल के रूप में हो सकता है, या फिर ये ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन में आप लोग सुप्रीम कोर्ट में पाएंगे। और सिमिलरली हाई कोर्ट का एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन के ऊपर भी कुछ ऐसा एग्जाम्पल पूछ सकता है, केस स्टडी के रूप में ले सकता है। तो आप लोग थोड़ा उसको प्रॉपरली पढ़िएगा, चैप्टर का समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, मेंशन टू टाइप्स ऑफ केसेस इन विच द हाई कोर्ट एक्सरसाइजेस अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, जैसे कि मैंने अभी कहा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से दैट द हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन है जो आप मैं मोस्टली 2 नंबर के लिए दिया हूँ, और ऐसा मैं मानता हूँ कि आप लोग इसको कर ले तो अच्छा से, तो 2 नंबर का आ जाए, या फिर मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन 2 बार ज्वाइन किया रहता है, 2+2=4, तो ये सेगमेंट आप लोग का अच्छा से हो चुका रहेगा। अब हाई कोर्ट के बाद अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाउ कैन द नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी इंक्रीज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एक बार इसको हाई कोर्ट के हिसाब से भी देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसीड्योर हैज बीन लेड डाउन फॉर रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई आई मीन। नेक्स्ट देख लीजिए, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट। ये आने का चांसेस बहुत कम है, बट ये आपके आंसर्स का पार्ट हो सकता है, यदि एपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन आता है या ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन आता है, लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट है, व्हाट इज मेंट बाय द एडवाइजरी फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, व्हाट इज मेंट बाय द रिवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द फाइनल क्वेश्चन, व्हाई इज द सुप्रीम कोर्ट नोन एज द गार्डियन एंड द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा मानना है कि शायद ये क्वेश्चन कल आप लोगों का एग्जाम में आ जाए। एक और क्वेश्चन आप लोग बेटर है कर लो, आप लोग एक क्वेश्चन और नोट कर लेना, राइट अ नोट ऑन ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इक्विवेलेंटली हम लोग यदि बात करें तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब हम लोग देखते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, इसमें क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट। आप लोग इसका आंसर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स अ डिस्ट्रिक्ट जज एंड हाउ। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, अच्छे से तैयार करिए। विच इज द हाईएस्ट कोर्ट डीलिंग विद द क्रिमिनल केसेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड द सेशन जज। ये आप लोग को कल के एग्जाम में हो सकता है मिल जाए। इसी के साथ हम लोग जुडिशरी सेक्शन भी कंप्लीट किए, हम लोग हाई कोर्ट डिस्कस कर चुके, सुप्रीम कोर्ट कर चुके, और सब ऑर्डिनेट कर चुके हैं। हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर चुके हैं, यूनियन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा कर चुके हैं। सभी वीडियोस आप लोगों को मिल रहा है, आप लोग मेरे चैनल्स पे देख सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, नर्वस नहीं होना है। आप लोग जानते हैं जितना क्वेश्चंस दिया हूँ उसको आप लोग अच्छा से फोकस करो, ज्यादा घबराहट हो रहा है, लिख के प्रैक्टिस कर लो, अच्छा म्यूजिक सुनो, एंड भगवान का नाम लो, बड़ों का आशीर्वाद लो। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।